चिट फंड पर आज की लेटेस्ट अपडेट। चिट फंड कंपनी BNB ने किया 4 करोड़ का घोटाला, 2 संचालक हुए गिरफ्तार। यहाँ दोस्तों चिट फंड कंपनी BNP ने किया 4 करोड़ का घोटाला, 2 संचालक गिरफ्तार। बड़ी अपडेट 23 जुलाई 2021 की, यानी कि आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आज जो हम चिट फंड कंपनी BNP रियल इस्टेट एंड एलाइट लिमिटेड कंपनी की जो खबर लेकर आए वो क्या है। इंदौर EOW ने करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी चिटफंड कंपनी BNP रियल इस्टेट एंड एलाइट लिमिटेड के 2 संचालकों को मंदसौर जेल से रिमांड पर लाकर पूछताछ की। आरोपियों ने ठगी की राशि से संपत्ति खरीदी थी, जिसकी जांच की जा रही है। 2 साल पहले दर्ज धोखाधड़ी के केस में BPN रियल इस्टेट कंपनी के संचालक संतोष शर्मा 64 और विनोद शर्मा 56 निवासी स्कीम 114 को गिरफ्तार किया। SI मनोहर बड़ौदिया के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ प्रदेश में देवांश, उज्जवल, बड़वानी, मंदसौर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी करोड़ों की धोखाधड़ी में केस दर्ज है। 2007 में कंपनी ने सांगी कॉलोनी में अपना ऑफिस शुरू किया था। लोगों को कंपनी में निवेश करने पर FDRD व स्कीमों के तहत कई गुना राशि लौटाने और प्रॉपर्टी में निवेश कर भूखंड देने का वादा किया था। लोगों ने इनके झांसे में आकर करोड़ों रुपया जमा किए। कंपनी ने करीब 4.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और संचालक भाग गए। 2019 में कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और निष्पक्षों के हितों को संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत केस दर्ज किया और 11 संचालक संतोष शर्मा, मुकेश शर्मा, संजीव कुमार और कुंवर सिंह, उमेश नवरिया, रविंद्र सिंह, पद्म सिंह नरवारिया, महेश पालीवाल, मुनेंद्र कुमार, राघेंद्र कुमार और नवारिया देवेंद्र शर्मा आरोपी बने। मंदसौर पुलिस ने संतोष व मुकेश को गिरफ्तार किया था। आरोपी को वहां से रिमांड पर लाकर पूछताछ की। ठगी की राशि से कई संपत्तियां खरीदने की बात सामने आई है। तो दोस्तों ये थी चिटफंड पर आज की लेटेस्ट अपडेट। अपडेट पसंद आया तो चैनल